की, क्योंकि आपको हम सीधे लिए चलेंगे एटा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर एक बड़ी रैली। तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके नेतृत्व में किया, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसको दावे के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप गांव गांव जाकर के बताओ, ये कांग्रेस पार्टी थी हर चुनाव में कहती थी कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। क्या था किसान का कर्जा? मात्र 57,000 करोड़ रुपए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ किसानों को 1,53,000 करोड़ रुपए 10 किस्तों में 2,000 रुपए 11 करोड़ किसानों के खाते में डालने का काम किया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें किसानों की, तो हम गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि नीम कोटेड यूरिया, पहले यूरिया के लिए लाठी चार्ज होता था, गोलियां चलती थी, प्रधानमंत्री जी ने नीम कोटेड यूरिया ला करके हर किसान के घर तक यूरिया पहुंचाने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये डीएपी खाद 2400 की बोरी, ये 2400 की बोरी 1200 रुपए में आपके यहां पहुंचाने का काम किया, यानी एक बोरी मुफ्त देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना, 22 करोड़ किसानों ने इसमें अपने आप को शामिल किया। सॉइल हेल्थ कार्ड, 22 करोड़ के किसानों के घर में इसका सर्टिफिकेट पहुंच गया। और यही नहीं, आज किसान पेंशन लेने लग गया, ये संभव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ, इसको हमको समझना चाहिए। लेकिन मित्रों, जहां हम नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए सब किया, वही उत्तर प्रदेश में भी गन्ना का भुगतान 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर किसी ने किया, तो वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने भुगतान किया, यह भी हम आपको बताना चाहते। और जब मैं इस भुगतान की बात करता हूं, तो अखिलेश की सरकार का भी 11,000 करोड़ रुपए योगी जी ने भुगतान किया, यह भी हमको ध्यान में रखना है। यानी उनकी सरकार का भी उधार, उस उधार को भी देने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। मायावती जी के समय में 29 चीनी की मिले कौड़ियों के भाव बेच दी गई, 21 चीनी मिले बंद हो गई। अखिलेश जी के जमाने में 11 चीनी मिलें बंद हो गई, और यह चीनी मिलें खुलने का काम हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी के समय में हुआ, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, फर्क साफ है, सोच ईमानदार है, काम दमदार है, इसको हमको समझना है। बात करूं तो मुझे खुशी है कि आज जब मैं एटा में आया हूं, तो मुझे भी स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मोदी जी के आशीर्वाद से यहां एटा में मेडिकल कॉलेज देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यह मेडिकल कॉलेज यहां परिवर्तन लाने वाला है, एक नई तस्वीर खींचने वाला है। फिर चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे एम्स हो, एक नहीं दो दो एम्स, 30 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, और 2022 तक 47 मेडिकल कॉलेज, देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो उत्तर प्रदेश की धरती पर खुलेंगे, ये विकास है। आजकल हमारे कार्यकर्ता से पूछो कि दिल्ली जाना है, आजकल हमारे कार्यकर्ता से पूछो कि हमको फलानी जगह जाना है, तुरंत
बोलता है, फलाना एक्सप्रेस वे पकड़ लो, फलाना एक्सप्रेस वे पकड़ लो, यानी अब कोई स्टेट वे पर आता ही नहीं है, सभी एक्सप्रेस वे पर है। यह परिवर्तन आया है तो योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में मोदी जी के आशीर्वाद से आए। आपको समझना चाहिए, बोलो आगरा में मेट्रो का काम शुरू हो गया कि नहीं हो गया, विकास का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बोलो 5 साल में विकास हुआ कि नहीं हुआ, बोलो आयुष्मान भारत पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बोलो आपके यहां प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंची कि नहीं पहुंची, बोलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल राशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बोलो योगी जी का अनाज 35 किलो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आजकल आप डबल इंजन में डबल डबल ले रहे हो, डबल डबल। ये परिवर्तन है, ये फर्क साफ है, सोच ईमानदार है, काम दमदार है, तो आपको समझना चाहिए मित्रों। लेकिन जब मैं ये सारी बातें आपसे चर्चा करता हूं तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम गन्ना की बात करते हैं उनके मुंह से छिन्ना निकलता है। देखिए, मेरे से किसी पत्रकार ने पूछा कि आपको क्या क्या खतरा दिखता है, आपको क्या खतरा दिखता है। मैंने कहा कि मुझे उन लोगों से और उन पार्टियों से खतरा दिखता है, और मुझे नहीं देश के प्रदेश को खतरा दिखता है जो वोट की खातिर, कुर्सी की खातिर, कुर्सी पाने के लिए सरदार पटेल लौह पुरुष जिसने 567 राज्यों को एकत्र करके ये भारत देश बनाया, उनके साथ मुकाबला करने के लिए कहा पटेल और उनके मुंह से पटेल का नाम नहीं निकलता, जिन्ना का जिन निकल जाता है। ये खतरा इसको समझना चाहिए और इस जिन को वापस बोतल में डालने का काम ये मेरे 28,000 जो बूथ के अध्यक्ष है ये बूथ पर कहा डालेंगे, ये बात हमको समझना चाहिए, ये है जिसको हमको समझना चाहिए। आज आप कहते हो, जब मोदी जी कहते हैं, जब योगी जी कहते हैं कि यहां पर कोई माफिया नहीं दिखता, प्रदेश छोड़ करके जा रहे हैं, जा रहे कि नहीं जा रहे, गए कि नहीं गए, लेकिन आपको वो समय भी याद है कि नहीं जब यहां प्रजातंत्र नहीं था, प्रजातंत्र नहीं था, दंगा तंत्र था, दंगा तंत्र चलता था। मुजफ्फरपुर भूल गए क्या, भूल गए क्या, कैराना भूल गए क्या? ये आजकल पोस्टर में से कईयों की तस्वीर हटा दी है, ये पुरानी बातों को भूल कर भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखना ये नई सपा नहीं है, ये वही सपा है जो पुरानी है, वही हमको समझना चाहिए। और इसलिए ऐसे लोगों को घर बैठाना बोलो जरूरी है कि नहीं है, हमारी खातिर नहीं, कुर्सी के खातिर नहीं, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता के लिए हमको करना है, इस बात को हमको समझना चाहिए। बोलो विकास चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो योगी जी का जो धरती पर काम हो रहा है उसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। अगर ये सब करना है तो बूथ बूथ पर कमल खिलाना है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। मित्रों, यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे पास नेता है, ऊपर प्रधानमंत्री जी है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, और योगी जी के साथ उत्तर प्रदेश में नेताओं की श्रृंखला है, टीम है, नेताओं की बहार है, नेताओं की कड़ी है, लड़ी है, जड़ी है। ये संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में हमारे पास नेता है, हमारे पास नीति है, हमारे पास काम करने की नीयत है,
और हमारे पास ये वातावरण है जो भारतीय जनता पार्टी को पूछ रहा है। लेकिन बाकियों के पास न नेता है, न नीति है और नियत तो है ही नहीं। एक ही नियत है, रात को सोते हुए भी सपने में कुर्सी कुर्सी सिर्फ यही दिखती है। न नेता, न नियत, न नीति, न कार्यक्रम। और जब ऐसा वातावरण हो तो उनके पास वातावरण भी कहां होगा, ये हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप पूरी ताकत के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ अपने बूथ पर जाइए, घर घर में संपर्क कीजिए, मोदी जी के कार्यक्रम और योगी जी के कार्यक्रम लोगों को बताइए और उनको प्यार से उनका विश्वास जीतिए और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में यशस्वी बनाइए। यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है। और मुझे गौरवान्वित होने का मौका मिलता है जब मैं देखता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को सौभाग्य मिलता है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो उस पार्टी का हूं जिसके 18 करोड़ सदस्य हैं और जहां देखो कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दिखते हैं, उसका मैं अध्यक्ष हूं। मित्रों, हम सब लोगों ने रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है, काम में जुटे रहना है, लक्ष्य की प्राप्ति करना है और समाज की सेवा करना है। और देश की तस्वीर मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में यहाँ उत्तर प्रदेश में आगे ही बढ़ते जाना है। इस काम को आप पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।